नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस आपके साथ, मैं हूं दीपेश जैन। तो कल मोदी कैबिनेट का बहुप्रतीक्षित विस्तार हुआ, यूं कहें कि जमकर उथल पुथल मची केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और 12 मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया, एक मंत्री पहले ही बाहर हो गए थे। इस तरीके से 13 मंत्रियों की जगह भरी गई 43 मंत्रियों से, जिनमें 36 नए और 7 पुराने मंत्रियों को प्रमोट किया गया। मध्य प्रदेश के हाथ क्या लगा है? जी हाँ, मध्य प्रदेश के हाथ 2 मंत्री लगे, लेकिन एक का इस्तीफा हुआ, तो माना जाए कि एक नया मंत्री केवल मिला मध्य प्रदेश को। हाँ, विभागों में बहुत उठापटक हुई है, विभाग बहुत सारे बदले गए हैं। और ये देखिए, मध्य प्रदेश कोटे के जो 6 मंत्री अब हैं, कोटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान वैसे मूलतः उड़ीसा के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कोटे से वो राज्यसभा गए हैं, इसलिए तकनीकी तौर पर उनको मध्य प्रदेश से सांसद माना जाता है। इसीलिए हम भी मानेंगे कि मध्य प्रदेश कोटे से 6 मंत्री हैं, लेकिन अगर मूलतः मध्य प्रदेश के लोगों की बात करें तो इनमें 5 मंत्री मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि अब शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय भी उनके पास होगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक टीकमगढ़ से सांसद हैं, और थावरचंद गहलोत के पास का विभाग जो सामाजिक न्याय मंत्रालय था वो उनको मिला। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं, रेल मंत्रालय चाहते थे, मिल गया हवाई जहाज यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। प्रहलाद पटेल कद कम कर दिया गया है, जी हाँ, जल शक्ति और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उनको बनाया गया। और फग्गन सिंह कुलस्ते स्टील मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास में है, और फूड प्रोसेसिंग और जल शक्ति का राज्य मंत्री बनाया गया है प्रहलाद पटेल को। वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जैसा कि कल यूं कहें कि भयंकर तरीके से रिशफल जो हुआ है कैबिनेट और विस्तार उसमें, और जो बदलाव हुए हैं उसके बाद, प्रहलाद पटेल भले ही ऊंचा लंबाई में जो है, यूं कहें कि ऊंचाई उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल स्वतंत्र प्रभार का उनसे मंत्रालय ले जो प्रभार है वो वापस लेकर के, और उनको अब केवल राज्य मंत्री बना दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति पर इसका कितना असर होगा, मध्य प्रदेश का कितना भला होगा, सीधे सीधे पूछना चाहिए इन 6 मंत्रियों के चलते। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्वालियर चंबल से अब 2 कैबिनेट मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बुंदेलखंड से भी मंत्रिमंडल में 2 मंत्री हैं। मालवा निमाड़ से अब कैबिनेट में कोई मंत्री नहीं, थावरचंद गहलोत हुआ करते थे, लेकिन अब वो राज्यपाल बन गए हैं। और एक मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, आदिवासी अंचल से। तो चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता और एपीडा के सदस्य चेतन सिंह जी हैं। चेतन जी इस वक्त दिल्ली में ही हैं, पिछले कई दिनों से दिल्ली में। चेतन जी, आपका बहुत स्वागत है। जेपी धनोपिया जी हमारे साथ में, कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता, आपका स्वागत है। जेपी धनोपिया जी और प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। तो चेतन जी, एमपी के कोटे से 1 और कुल 6 मंत्री अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में, यूं कहें कि 5 मूलतः निवासी और 1 बाहर के हैं, लेकिन एमपी के कोटे से हैं 6 मंत्री जो आए हैं, कितना फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा? जो विभाग बदले गए हैं, मध्य प्रदेश के लोगों की कितनी उम्मीदें पूरी होंगी? देखिए, मध्य प्रदेश की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं, ये देश की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। निश्चित रूप से जब हम कहीं पर बैठ करके काम करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क पर हमारा अपना जो क्षेत्र होता है, गृह क्षेत्र होता है, उसको लेकर के अत्यंत झुकाव रहता है। और निश्चित रूप से जिन पदों पर, जहां पर भी हमारे यहाँ ये 6 मिनिस्टर हैं, जब भी इनकी कलम चलेगी वो मध्य प्रदेश की सार्थकता के लिए चलेगी, मध्य प्रदेश के विकास के लिए चलेगी, मध्य प्रदेश की आम जनता के हितों में फैसले लेने के लिए चलेगी। तो कोई संशय थोड़ी ना कि मध्य प्रदेश के लिए इनकी कलम कहीं रुकेगी या कोई रुकेगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का विकास होगा, लेकिन समग्र रूप से सारे देश का विकास होगा, और सारे देश के विकास में ही हमारा आप सबका विकास समाहित है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का फेरबदल हुआ है, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के अब एविएशन मिनिस्टर बनने से, मुझको लगता है कि सबसे पहला फायदा तो राजधानी भोपाल को होगा, क्योंकि लंबे समय से इंटरनेशनल फ्लाइट की जो मांग चल रही थी, कार्गो की जो मांग चल रही है, इन सारी मांगों का यथाशीघ्र निराकरण मुझे लगता है हो जाएगा। वहीं और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी लगातार कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका हमको निरंतर लाभ मिल रहा है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसमें कृषि सेक्टर का अपने आप में सबसे बड़ा योगदान है,
और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 5-5 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड का पुरस्कार मिला है, और हमको लगता है कि मध्य प्रदेश को इस साल जिस प्रकार का हमारा अपना उत्पादन था, जिस प्रकार की अपनी जो ग्रोथ है कृषि क्षेत्र में, 6वीं बार भी मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड का पुरस्कार हमको मिल सकता है। रही बात मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों के विकास के कामों को लेकर के, जिन विभागों में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से या जिन विभागों में हमारे मध्य प्रदेश से मंत्री नहीं है, उन क्षेत्रों में भी हमको फायदा मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी अभी मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे, मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, जिसके लंबे समय से एक बहुत बड़ी मांग भी थी और एक बहुत बड़ा कार्य करने का विस्तृत रूप से क्षेत्र भी, हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने का भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम लंबे समय से एक कमी महसूस कर रहे थे कि कब मध्य प्रदेश की तरफ कोई, मध्य प्रदेश की ही दृष्टि से देखने वाला कोई मंत्री बैठेगा। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग सोच रहे थे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिली है। आने वाले समय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से इस मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार की सौगातें हमको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। अन्य क्षेत्र में भी जहां पर भी दीपेश जी आवश्यकता होगी, भारत सरकार कहीं कोई भाई देखिए बहुत सारी और भी है, फूड प्रोसेसिंग है प्रहलाद पटेल जी के पास में, इस्पात मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हो गए, 2 विभाग उनके पास, जल शक्ति है, ये है, तो इनमें भी बहुत सारी संभावना है मध्य प्रदेश में काम होने की। मैं उस पर आऊंगा बाद में, आपसे पूछूंगा। जेपी धनोपिया जी हमारे साथ में जुड़ गए। सर एक कमेंट आपका, जिस तरीके से विभाग बांटे गए, कल हमने इस पर तो चर्चा की ही कि कौन कौन मंत्री बनेगा और क्यों बनेगा, लेकिन अब जो विभाग बांटे गए हैं, धनोपिया जी एक कमेंट आपका, और मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या उम्मीदें रखते हैं आप केंद्रीय मंत्रियों से? लगता संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे, हम फिर आएंगे उनके पास में। लेकिन प्रदीप जी एक कमेंट आपका, सर ये जो जातीय समीकरण तो बन गया, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन क्या बन पाया एमपी के लिहाज से? चेतन जी ने एक लाइन में कह दिया कि साहब कोई एमपी के लिए थोड़े ना मंत्री बने, पूरे देश के लिए बने हैं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश का भी ध्यान रखा जाएगा, तो ऐसे में कैसे देखते हैं आप इस फेरबदल को और जो यहाँ पर जो विभाग बांटेगा उनको? प्रदीप जी दीपेश जी क्या है, मोदी जी के मंत्रिमंडल में इस बार जो विस्तार हुआ है, वो चुनाव को विगत जो आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसको दृष्टिगत रखते हुए मुझे लगता है कि मोदी जी ने इस बार विस्तार किया है। और उसका ये कारण भी है कि उन्होंने ये देखा है कि जिन जिन क्षेत्रों में हमारी जो कमियां रही हैं, जैसे बुंदेलखंड में कुछ कम सीटें आई थी, आप ग्वालियर वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर क्षेत्र में भी उनकी कम सीटें रही, वो दूसरी बात है कि सरकार बनने के बाद सिंधिया जी इनके साथ आ गए तो वहां स्थितियां बदल गई। तो इन सब चीजों को देख मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस बार विस्तार किया है, और यही कारण है कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र से नरेंद्र सिंह तोमर जी को, इधर सिंधिया जी को, और बुंदेलखंड से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी को, प्रहलाद पटेल जी पहले से ही थे। तो ये समीकरण संतुलन का ही है। ये जरूर है कि कुछ जैसे विंध्य जो क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र में किसी को मंत्रिमंडल का दायित्व नहीं दिया गया, जबकि बीजेपी की सीटें में विंध्य क्षेत्र से ज्यादा आई थी। वहीं आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भी कई सारे मंत्रियों को बनाया गया है, वहां जो है समीकरण ये भी देखा गया है कि किस किस वर्ग को हमको साधना है, और जो इनके घटक दल थे उसमें अनुपैया पटेल भी हैं, उनको भी ले लिया गया, जबकि पिछली बार नाराज थे, उनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने सहज स्वीकार किया, राज्य मंत्री का पद ही स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि ये सारे संतुलन को बनाए रखने पूरे देश में, और किन जगहों में हम कमजोर हैं और वहां ज्यादा से ज्यादा हम क्रियान्वयन कराएं अपने कार्यों का, और मोदी जी ने जो कार्य किया है उसका निचले स्तर पर लोगों तक जानकारी पहुंचे, इस सब को दृष्टिगत रखते हुए इस बार उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। और आप ये भी देखेंगे इस सबसे ज्यादा इसमें ब्यूरोक्रेट से भी लोग आए हैं, वो कई सारे मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से भी हैं, बिहार से भी हैं, गुजरात से भी हैं। हम तो आज थोड़ा सा फोकस प्रदीप जी हमारा एमपी पर, ये मैं आपके पास आता हूँ, हमारे साथ जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं। सर एक बार फिर स्वागत करते हुए आपसे यही पूछना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश को जो 6 मंत्री हैं मध्य प्रदेश के कोटे से, कितनी उम्मीदें इनसे? चेतन जी कह रहे हैं कि केवल वो मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए, लेकिन जब भी कलम चलेगी मध्य प्रदेश का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री हैं, तो भोपाल में इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होने का जो है एक रास्ता खुलता नजर आ रहा है, लेकिन आप और क्या सोचते हैं, जो विभाग बांटे गए किस तरीके से उनको देखते हैं? मैंने पैकेज ही नहीं सुना, इसकी मुझे तो जानकारी है नहीं। नहीं, जो विभाग जो बटे वो तो आपकी जानकारी में होंगे, किस मंत्री को कौन सा मिला है? बस वही हमारा, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका टॉपिक क्या है, मुझे जानकारी नहीं है।
अच्छा नहीं, बात यह है कि जो कल मध्य प्रदेश के कोटे से जो 6 मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, जिनका कद थोड़ा कम किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको डीएन मंत्री बनाया गया है, और साथ में साथ फग्गन सिंह कुलस्ते या नरेंद्र सिंह तोमर, तो मध्य प्रदेश से अब जो 6 मंत्री हैं, कैसे देखते हैं आप मध्य प्रदेश के विकास में किस तरह का योगदान इनका होना चाहिए या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस की, भाई केंद्रीय मंत्रियों से विपक्ष की भी उम्मीदें होती हैं, कैसे देखते हैं आप? 2019 में जब केल सरकार बनी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो 2 साल में क्या उम्मीद रही मध्य प्रदेश को, क्या दिया इन 5 मंत्रियों ने? आपके सामने कुछ और बताए, अब वही स्थिति आगे 2 साल में रहेगी, भाई 2 सालों में क्या रहा है मध्य प्रदेश के लिए? ऐसा कोई भी उपलब्धि वाला विषय नहीं रहा है जो हम ये कह सकें कि मध्य प्रदेश हमारे 5 मंत्री थे तो उन मंत्रियों ने इतना कुछ करके दिया, क्या ऐसा कोई भी उपलब्धि वाली बात नहीं रही। अब जो आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल का गठन किया है, निश्चित उनका अपना विशेष अधिकार है, उनको पूरा देश देखना होता है, उनने पूरे देश के साथ लोगों को जोड़ के मंत्रियों को बनाया है, मंत्रियों को विभाग दिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे कोई हालात बहुत ज्यादा उपलब्ध दिखते नहीं है। तो प्रहलाद पटेल और जो आपको कुलस्ते जी हैं, ये पहले स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री होते थे, तो कैबिनेट की बैठकों में इनका वो रहता था, अभी वो राज्यमंत्री बना दिया गया है, अब राज्यमंत्री बना के कर्तव्य छोटा कर दिया गया है। जहां तक ज्योति भाई का सवाल है, उनको जो बनाया गया था कि सर रेल मंत्री बन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या फटाके फूट रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो उनको जो उनकी जो उन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी है, भाजपा के साथ वफादारी की, खानदानी परंपराओं को निभाया, उसका उनकी आखिरी किस्त उनको कल भुगतान हो गई। अच्छा। एक केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है, उसके रूप में उनको उड्डयन मंत्री बना दिया, बैठे रहिए, और वो डिपार्टमेंट जो हवाई जहाज का डिपार्टमेंट है, तो आप बैक बेंचर कह के चिढ़ाते थे उनको, आगे की बेंच पे ले तो आए। अरे आगे की बेंच से क्या होता है, आगे की बेंच लाए हैं तो खुशी की बात है, गद्दारी कीमत तो मिलेगी ना, बेचारा वो कैलाश विजयवर्गीय जी कितनी मेहनत कर रहे थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, उनको जाके तक खड़ा करा हुआ है, बाकी लोग बैठे हुए हैं, और आपने बिकाऊ को आपके ला गया ले आए हैं, तो आपने अच्छा किया। नहीं नहीं, कैलाश जी को बना देते और सिंधिया जी को नहीं बना देते, तो आप ही कहते देखिए साहब इनको यहाँ भी कुछ नहीं मिला वहाँ भी कुछ, मतलब चिदवी मेरी पडवी मेरी। हम नहीं कहते, हम तो इस बात से परेशान है कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या के कर का इनाम दिया है, ये परंपराएं देश के लिए ठीक नहीं है, देश की परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। उनका क्या इतिहास है, उससे पहले के कितने सांसद मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, कहाँ किसी को स्थान दिया गया है, कितने लोग हैं, राजेंद्र सिंह है, गणेश सिंह है, बहुत से लोग हैं। मैं समझता हूँ कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनका अधिकार है या सही है, लेकिन प्रजातंत्र की हत्या करने वाले व्यक्ति को जो हेल्ड ऑफ जयचंद था उसको इनाम देकर मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि बताई है, और हवाई जहाज कर क्या लेंगे मध्य प्रदेश से, क्या दे देंगे? इंटरनेशनल हवाई जहाज आज भी यात्राएं आती है जो इंटरनेशनल होती है, वही हवाई जहाज के बारे में बहुत ज्यादा उनके पास करने कुछ भी नहीं है। एयर इंडिया वगैरह बिका हुए हैं, बिके पड़े हुए हैं, बंद हो चुकी है कंपनियां, तो उन्होंने उनके हिसाब से उनको, चूंकि उनको मंत्री बनाना था मंत्री बना दिया, लेकिन डिपार्टमेंट ऐसा दिया है जिससे बस तसल्ली रहेगा मैं केंद्रीय मंत्री हूँ, बाकी उनके हाथ में कोई रहेगा नहीं। अच्छा चलिए, चेतन जी तो कह रहे हैं देखिए तंज पे तंज कसे जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य पे भी कसा उन्होंने, और कह रहे हैं कि भाई अब तक क्या मिल गया मध्य प्रदेश को केंद्रीय मंत्रियों से जो हम आगे के लिए उम्मीद पालें, क्या कहेंगे चेतन जी? देखिए यही तो कांग्रेस का चरित्र है, यही इनका डीएनए है कि ये दो तरह की बात करते हैं, हाँ भी करेंगे ना भी करेंगे। इससे पहले क्या कहते थे कि यहाँ तो श्रीमंत श्रीमंत तो भाजपा में कोई पूछ नहीं रहा है, फिर कहते थे भारतीय जनता पार्टी में आपका 13वां नंबर आ रहा प्रदेश में, फिर आते, ये इनकी बातें हैं क्योंकि ये अपनी बात पर कभी अटिक नहीं रहते हैं। अब मंत्रालय में नहीं तो कहने कुछ भी नहीं मिला, अब पहले इसी प्रकार से कहते थे कि कोई उनको पूछ नहीं रहा है, अब पूरी कार्यकारिणी में आपने देखा होगा दीपेश जी कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब के कितने लोगों को सम्मिलित किया गया, अब वे कोई कांग्रेस के लीडर नहीं है कि हम उनके साथ भेदभाव करें, वे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी वे मास्टर लीडर हैं, अग्रणी लीडर हैं। हमारे यहाँ कम से कम आदमी को अपनी बात कहने का, आदमी को अपने आप को डेवलप करने का दोनों प्लेटफॉर्म पार्टी स्तर पर है, किसी परिवार की राजगी नाराजगी या किसी पार्टी परिवार से अलग हट करके वो कह रहे हैं कल आखिरी किस्त दे दी जी, आखिरी किस्त दे दी कल गद्दारी की और वफादारी की। ये हर आदमी का अपना सोचने का नजरिया है, देश में जिस प्रकार की अराजकता को लेकर के जो लोग उनका कंधे से कंधा मिला, आज आप पढ़िए ना दिग्विजय सिंह जी का बयान, उन्होंने आदरणीय मोहन भागवत जी से ओवैसी की तुलना कर दी, तो ये इनके विचारों का दिवालियापन है, इनके पास विचार बचे नहीं है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज विषय दूसरा है, दिग्विजय सिंह जी वैसे भी इस मामले में नेशनल नहीं इंटरनेशनल वक्ता है, और इनको तो तालिबान का अधिकृत प्रवक्ता बना देना चाहिए। ठीक है, अपन तो टॉपिक पे रहे हैं, मध्य प्रदेश भाई वो ये पूछ रहे हैं कि अभी तक क्या मिला जो आगे हम उम्मीद करें एमपी के लिए। देखिए मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से अभी जो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि खाद्य प्रसंस्करण हमको मिला है, उद्योग मंत्रालय मिला है,
उपभोक्ताओं के मामले मिले हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य को लेकर के मिली है, अनेक इतनी सारी सौगातें मिलने के बाद में भी सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा आदर्श वीरेंद्र सिंह जी के बैठक के माध्यम से हमारे पास आया है। फक्कर सिंह जी को ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है, वे इस्पात जल शक्ति मंत्रालय ऑलरेडी देख ही रहे हैं। क्या भैया पूरी कैबिनेट क्या केवल मध्य प्रदेश के लिए बनेगी? नहीं, दे तो दिया, लेकिन उसका मध्य प्रदेश में असर क्या होगा, फायदा कितना हो मध्य प्रदेश को? या मध्य प्रदेश को फायदा हो, मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश के जो अपने हित हैं उन हितों की चिंता करें, इसीलिए तो मध्य प्रदेश के लोगों को जवाबदारियां जिम्मेदारियां दी गई हैं। और अभी तो कल होती हुई है, आज पहली कैबिनेट बैठक होगी, ये भविष्य तय करेगा कि क्या होगा। लेकिन निश्चित रूप से पार्टी ने, संगठन ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सारी बातें देख करके तय किया है, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के हमारे आदरणीय वीडी शर्मा जी और भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय सुहास भगत जी जो संगठन महामंत्री हैं, निश्चित रूप से दोनों का मत है और दोनों ने ही इन सारी बातों का मैदानी स्तर पर आकलन करके ही सारी चीजों का सुझाव दिया है। हमारे यहाँ घर में बैठ करके सूची थोड़ी ना चलती है, घर में बैठ करके युवराज तय थोड़ी ना होता, और वो युवराज जो कैबिनेट का पूरा चिट्ठा फाड़ करके फेंक दे और आप सब लोग हंसते रहे, ताली बजाते रहे, ये भारतीय जनता पार्टी है भैया, ये विचारों से चलने वाली पार्टी है, ये दिल और दिमाग दोनों का उपयोग करके चलती है, ये किसी परिवार से चलने वाली रिमोट कंट्रोल वाली पार्टी नहीं है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में आपको व्यापक रूप से इसमें बदलाव भी देखेंगे, इसमें परिवर्तन भी देखेंगे, और परिवर्तन कहीं ना कहीं विकास के रूप में लोगों को झलकेगा, दिखेगा और आम जन तक पहुंचेगा। इस बात के लिए आप क्यों रहिए। अब मेरे मित्र धनोपिया जी अपोजिशन के हैं तो उनका तो काम है भाई आलोचना करना, नहीं करेंगे तो फिर आप समझ रहे हो ना। चलिए तो धनोपिया जी क्या जवाब है, तो ये जो चेतन जी कह रहे हैं, और दूसरा ये कि एक जो बड़ी जिम्मेदारियां मध्य प्रदेश के, देखिए मध्य प्रदेश के कोटे से शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं चेतन जी की शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश जो काफी पिछड़ा हुआ था, क्या कांग्रेस, देखिए सकारात्मकता नकारात्मकता तो ठीक है रोज ही करते, लेकिन कोई सकारात्मक पहलू, कोई कांग्रेस अपनी ओर से कोई बात रखेगी इन केंद्रीय मंत्रियों के सामने जब आएंगे MPM, थोड़ा इस पर भी तो चर्चा करें, आप इतने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ठीक है, तो ये मतलब इस तरह की कोई बात है कि भाई मध्य प्रदेश का भी विकास हो, उस लिहाज से कुछ सोचा जाए, कुछ नई मांग आपकी तरफ से हो, कुछ नई योजनाएं आप रखें केंद्रीय मंत्रियों से, क्या ऐसा हमें किसी दिन देखने को मिलेगा? धनोपिया जी दीपेश जी देखिए वास्तविकता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आदरणीय चेतन सिंह जी ज्योति भाई साहब की बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये ज्योति भाई साहब के लिए पहले बोला करते थे लक्ष्मी बाई के हत्यारे हैं, गद्दार हैं, परिवार है, मुख्यमंत्री जी बोलते थे, ये लोग सब बोला करते थे। अब आप देख रहे हो कितने कसीदे गढ़ रहे हैं, मतलब वो धर्म परिवर्तन हो गया, वो भाजपा में पहुंच गया तो वो दूध के घर हो गए, पहले गद्दार थे और सारी बातें थी, अब बिल्कुल भाषा बदल गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट फेल हुए हैं कोरोना में, फेल हुए हैं स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सारे विभाग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको हटा दिया, बदल दिया लोगों को। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आदरणीय मध्य प्रदेश के लिए इस 2 सालों में या पिछले 5 सालों में उपलब्धियां बताएं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है केंद्र में, इस जुमलों की सरकार है, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, युवाओं को ये होगा, आप देख रहे हो सारी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। आज एक भी जगह स्थिति नहीं है, कोरोना की महामारी आई तो हाथ पांव फूल गए, सारे देश के अंदर लाखों की संख्या में लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो गए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हमारी सरकार बहुत विकास का काम कर रही है, तो काम कर रहा है, तो जिनने काम नहीं किया हटाया ना कल उनको 12 को बाहर किया तो सही। भाई मैं करूँ ना तो 2 साल तो बर्बाद कर दिए ना, 2 साल तो बर्बाद कर दिए, अब 2 साल के बाद बाकी लोगों को देखते हैं क्या कर पाएंगे। भाई मध्य प्रदेश के लिए अगर आप उपलब्धियां बताएं, कौन सा बड़ा कारखाना यहाँ पे आ गया, कौन सी यहाँ पे बड़ी रेल की योजना आ गई, कौन सा शिक्षा का बड़ा संस्था 5 साल में खोल दिया 2 साल में, ऐसा कुछ काम बताए, इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी विरोध की राजनीति के साथ साथ हम सकारात्मक बात करना चाहते हैं, लेकिन अवसर तो दे, बात तो करें, सारे के सारे जो हालात है मध्य प्रदेश में आज क्या हालात हो रही है, दलित वर्ग के एक मंत्री को कल आपने हटा के गवर्नर बना दिया, चलो प्रमोशन कर दिया, खुशी है, आदरणीय बीरेन खटिक जी को ले आए, उनको वही डिपार्टमेंट दे दिया, खुशी है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज दलितों के साथ अत्याचार तो देखिए कितने हो रहे हैं, नेमावरी घटना देखिए, बड़वानी की देखिए, रोज बलात्कार देखिए, सारी कितनी घटनाएं हो रही है, तो इन पर देखने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। और जहां तक ज्योति भैया की बात कर रहे हैं, साहब बड़े सीनियर लीडर है, तो उनका 5वें नंबर पर नाम आया था वो बीएन खट्टर की के बाद शपथ ग्रहण के समारोह में, इसलिए ज्योति भैया का तो सही है जितना है, अब वो भाई साहब होकर रह गए, भाई साहब रहेंगे और ये 2024 तक तो मंत्री रहेंगे, सही है, इसमें कोई तो मत नहीं है, इनके जो लोग हैं जिनको इतने सौदे करे थे, खेलते ले गए थे, बिगवाए था, ये सब 2023 में राहुल लोधी बन जाएंगे, नोट कर लीजिए आप, या तो टिकट नहीं मिलेगा, मिलेगा तो राहुल लोधी बनेंगे ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आपका श्राप है कि भविष्यवाणी है।
भविष्यवाणी भी नहीं है, मेरा असेसमेंट है ये, असेसमेंट है। अच्छा। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग हैं, जो पार्टी लोग हैं जिनने जीवन अपना पूरा दांव पर लगा दिया है, उनको आपने बिठा दिया था, परिणाम देख लिया क्या होगा, यही होगा 2023 में, जो लोगों को यही लोगों को टिकट काटना पड़ेंगे और टिकट मजबूरी में दे भी दिया अगर उन्होंने तो भाई। एक बात आपने नहीं की धनोपिया जी की, भाई सिंधिया जी आएंगे तो हम यहाँ पर ये मांग करेंगे, या कृषि मंत्री आएंगे तो ये कहेंगे, या धर्मेंद्र प्रधान आएंगे तो हम ऐसा कहेंगे कि हमारे यहाँ की शिक्षा नीति अच्छी जरा हो जाए, तो ये तो है नहीं आप लोगों के पास में बात। हाँ। आज तक क्या किया इन लोगों ने, ज्योति बाबू का तो, अरे जो आज तक नहीं हुआ कभी तो होगा, इनसे क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से, नहीं करके दिखाए ना, करके दिखाए, इनकी जिम्मेदारी अपने आप करके बताए कि देखिए आपने ये कर दिया लाए। वो जैसे आदरणीय हमारे चेतन भाई बड़े खुश हो रहे हैं कि ज्योति भाई साहब बन गए मंत्री, उद्यान मंत्री, अब पता नहीं क्या क्या कर देंगे, ले आए दिखाए। धर्मेंद्र प्रधान जी कहां के रहने वाले, उड़ीसा के, आपको पता है सिर्फ राज्यसभा में यहाँ से गए हैं, बाकी मध्यप्रदेश का कोई लेना नहीं है। प्रहलाद पटेल पहले मंत्री थे, राजमंत्री थे, क्या उन्होंने सांस्कृतिक तौर पर दे दिया, गुलस्ते जी ने क्या ऐसा कर दिया, कहीं कुछ हो करें, हमारी शुभकामनाएं हैं, मैं बधाई देता हूँ आपके माध्यम से, और मैं तो ज्योति भाई साहब को बधाई देता हूँ, भगवान उनके लिए अच्छा है, तरक्की दे, आगे बढ़े वो, लेकिन कम से कम गद्दारी द्वारा किसी के साथ ना करे, इस बात की मेरी उनके लिए सलाह है। चलिए तो प्रदीप जी, अभी थोड़ा सा आपका कमेंट, प्रहलाद पटेल का कद घटा है, इसका क्या असर, ग्वालियर चंबल से दो, बुंदेलखंड से दो, मालवा निमाड़ सूना, इसको कैसे देखते प्रदीप जी आप, क्या एमपी की राजनीति पे कुछ असर होगा इसका? मुझे लगता है कद घटना तो कहना सही नहीं होगा, कारण ये है कि आप देखें मंत्रालय उनको अभी जल नहीं, स्वतंत्र और... प्रभार था, बने रहने देते किसी एक विभाग का बना दिया, क्या दिक्कत थी? लेकिन कई सारे स्थितियां जब सरकार के अनुकूल न रहे तो कभी कभी अपने लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ता है, पर अब ये जरूर है कि आप देखेंगे महाकौशल क्षेत्र में प्रहलाद पटेल जी की एक अपनी साख रही है, एक जरूर कमी रही वहाँ, क्योंकि वो जो चुनाव दमोह का हुआ उसमें चुनाव के दौरान अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, ये एक मूल अच्छा कारण, ये कारण हो सकता है आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक मूल कारण ये हो सकता है कि चूंकि प्रहलाद जी के क्षेत्र का मामला था और उन्हीं के दायित्व में ये लड़ा गया था, दायित्व निर्वहन समय में उन्हीं के समय ये चुनाव लड़ा गया था, तो एक मूल कारण ये हो सकता है। वर्तमान परिस्थिति जो है, अभी फगन कुलस्ते जी को देखिए, ग्रामीण विकास भी दे दिया गया है, इस बात था ही उद्यान मंत्रालय दे दिया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, कृषि उनके पास था ही नरेंद्र सिंह जी के पास, तो काम करने का अवसर इनके पास काफी है, और मुझे लगता है कि ये जो योजना मोदी जी ने बनाई है उसमें ये चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश विकास के लिए जिन क्षेत्रों में कमी है, जैसे उद्यान में बहुत सारी कमियां थी, उसको सुधार करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया, और अनुभवी नेता भी है वो, मुझे लगता है कि अच्छा कार्य होगा। नरेंद्र सिंह जी पहले से ही कार्य कर रहे हैं कृषि में, एग्रीकल्चर में अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये एक रणनीति के तहत ये पोर्टफोलियो दिया गया है, मोदी जी ने पहले से ये पूरी एनालिसिस करके और सभी जो इनके मंत्री थे उनको उसी हिसाब से पोर्टफोलियो भी दिया है। जी प्रदीप जी, एक जो चीज मुझे खलती है कई बार कि जैसे कल जब कैबिनेट विस्तार हुआ, बिहार के लोगों की प्रतिक्रिया थी अरे रेल मंत्रालय नहीं मिला, रेल पता नहीं क्या विशेष लगाव है उनका रेल मंत्रालय से, क्योंकि पहले जितने रेल मंत्री रहे अगर कोई नई ट्रेन देश में शुरू हो रही हो बिहार से तो गुजरती गुजरती थी, ऐसा होता था। ये जो चाहत या ये जो जज्बा है अपने प्रदेश को लेकर के, ये एमपी के मंत्रियों में क्यों नहीं कभी दिखता कि भाई एमपी के लिए लड़ जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ ऐसा बना दे माहौल, मतलब कल रेल मंत्री नहीं बनना बिहार के लोगों का आप दुख देख सकते थे, लेकिन एमपी इस मामले में हमेशा उदासीन, निराश, परेशान रहा है कि भाई कुछ बन जाए, कुछ हो जाए, हमें क्या फर्क, कौन रफ, हमें कहानी, ये ऐसी स्थिति क्यों मध्य प्रदेश के साथ में? वास्तव में दीपेश जी, जो परिस्थितियां नहीं वो बिहार में तो बड़ी दमंगता साथ, चाहे आप लालू प्रसाद यादव जी को देखिए, ये कई सारे वहाँ रामविलास पासवान भी रहे रेल मंत्री, तो मुझे लगता है कि वहाँ जो राजनीति रही वो अलग अलग खंडों में बटी रही, जनता दल यू रही, फिर वो रामविलास पासवान जी अपनी पार्टी से उसमें गए तो उन्होंने दबाव बना के ले लिया, रेल मंत्रालय बंगाल में भी रहा ममता जी के साथ, तो वो भी क्योंकि खंड उसमें रही है तो इसलिए उन्होंने दबाव बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी की व्यवस्थाओं के तहत रहा, तो इसलिए आप देखें तो उद्यान मंत्रालय चूंकि नहीं, बात रेल मंत्रालय की नहीं, बात है कि जो भी आपको मंत्रालय मिल रहा है आप मध्य प्रदेश के लिए उसमें कितना ज्यादा सोच सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि उद्यान मंत्रालय भी महत्वपूर्ण मंत्रालय है मध्य प्रदेश की, बहुत सारे जगह में आप देखिए एयरपोर्ट, जैसे अभी चिकरौली एयरपोर्ट बनना है, रीवा में भी पहले से वो संभावित है, इसको जबलपुर और अच्छे से विस्तार किया जा सकता है, तो मतलब इस चीजों में भी काम करने की आवश्यकता है। रेल मंत्रालय इंपॉर्टेंट था, इसके लिए तो कहना चाहिए था, और
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कहीं समस्या है तो रेल की है। क्या रेल के और हवाई जहाज टिकट एक ही दाम के हो गए तो क्या रेल और क्या बात यह कि नई ट्रेनें शुरू होने से मतलब नहीं है, अगर महंगाई इतनी बढ़ती आएगी बात तो उस पर है कि दाम कम होते हैं कुछ और बेहतर सुविधा। खैर लास्ट कमेंट चेतन जी आपका, एमपी के लोग क्या उम्मीदें करें, और दूसरी बात जो धनोपिया जी कह रहे हैं कि भाई अभी तक की उपलब्धियां बता दे तब तो हम आगे के लिए कुछ सोचें, कुछ बताएं कि भाई और क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए। चेतन जी देखिए धनोपिया साहब जिस तरह से बोलना, अगर इनकी पार्टी सब कर देती तो विकास के लिए अभी इनको हमारा इंतजार नहीं करना पड़ता। इसका मतलब तो ये है कि इनकी जब भी सरकार थी मध्य प्रदेश में अपेक्षित विकास नहीं हुआ, इसीलिए अभी ये विकास का इंतजार कर रहे हैं। अब विकास घर से तो पैदा होता नहीं, विकास सड़कों पर पैदा होता है, विकास ग्रामीण के किसान के खेत आंगन में पैदा होता है। ये बंद बक्से का विकास नहीं है, खुले आसमान का विकास है, और खुले आसमान के विकास को देखने के लिए आपका मन मस्तिष्क और आंखें सब खुली रखनी पड़ेगी। अभी आपने धनोपिया साहब को सुना ही होगा कि वे कुछ भी देखने के मूड में है नहीं, इसलिए जब आदमी एक फिक्स मानसिकता के साथ सोचेगा विचार करेगा देखेगा तो उसको विकास नहीं दिखेगा। धनोपिया जी क्या पूर्वाग्रह से बाहर निकल पाएंगे आप लोग? ज्योति भाई साहब आएंगे, ज्योति भाई साहब आएंगे तो कुछ रखेंगे आप उनके सामने बातें? आपको निवेदन है दीपेश जी कि इन पांचों मंत्रियों को जो मध्य प्रदेश में हैं इनके दो एजेंडा होना चाहिए। एक एजेंडा होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर मुझे जिम्मेदारी मिली वो क्या काम करेंगे, और दूसरा अपने जो स्थानीय प्रदेश है उनका उसके लिए उनके पास क्या काम करने की योजना है, उनकी घोषणाएं करें उनको बताएं और फिर हम उन काम करने के लिए उसे सुधार की आवश्यकता होगी तो बताएंगे, सुझाव की आवश्यकता होगी बताएंगे, लेकिन कम से पहले बताएं तो सही क्या करेंगे। अब ज्योति भाई साहब आएंगे तो स्वागत करेंगे, इस बात की तो आप उम्मीद मत करिए कि जिस आदमी ने गद्दारी करके कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है, खानदानी परंपरा को निभाई है, उनको क्या करने जाएंगे, और उनका भुगतान हो गया, अंतिम किस्त उनको मिल गई है। जख्म बड़े गहरे भर नहीं पा रहे धनोपिया जी, बैठे रहे वो कुछ ज्योति भाई साहब साहब कोई उम्मीद नहीं है। शुक्रिया आपका धनोपिया जी, शुक्रिया प्रदीप जी आपका, शुक्रिया चेतन जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के मंत्रियों से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और इस बार उम्मीदें पूरी भी करना चाहिए, वरना होता यही है कि मध्य प्रदेश से मंत्री तो कई हो जाते हैं लेकिन जितना विकास जितनी योजना जितनी सौगातें मिलना चाहिए एमपी को उतना हो नहीं पाता है, और कई राज्य इस मामले में बड़े आगे निकल जाते हैं लेकिन अपना प्रतिनिधित्व अपना दखल अपना दमखम वहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा मध्य प्रदेश के मंत्रियों को, शायद तभी मध्य प्रदेश का उस तरीके से विकास हो पाएगा, क्योंकि अकेले राज्य सरकार दम नहीं भर सकती, उसमें केंद्र सरकार की जरूरत होती है। अब देखना यही है कि ये जो छह मंत्री हैं क्या कमाल कर दिखाते हैं एमपी के लिहाज से। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, आप देखते रहिए डीएनएन न्यूज़। नमस्कार।